बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैरा आसिफ और आप देख रहे हैं सुमैरा फूड ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेयोनीज़ चाहिए हमें 4 चम्मच, चिकन स्प्रेड चाहिए हमें 3 चम्मच, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटिंग की हुई, और एक गाजर हमने कद्दूकश कर ली, और एक खीरा उसकी भी हमने बहुत बारीक कटिंग की, और 2 एग चाहिए बॉयल, और 6 पीस हमें चाहिए चिकन सैंडविच ब्रेड चाहिए हमें 6 पीस, और ये थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो आए हम बनाते हैं। तो जी हम एग को मैश करते हैं। जी मैंने अंडे मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें। चिकन मायोनीज डाल दी और अब चिकन स्प्रेड डाल देंगे। हमारे वेजिटेबल जाएंगे सारे, खीरा जाएगा, शिमला मिर्च, गाजर जाएगी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मायोनीज में भी नमक है और चिकन स्प्रेड में भी नमक है, तो हम नमक बहुत कम यहाँ यूज़ करेंगे। काली मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। जी ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब हम ब्रेड की कटिंग करते हैं। जी हम अब ब्रेड की कटिंग करेंगे। तो जी ऐसे ही हम सारी ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो जी हमने सारी कटिंग कर ली है ब्रेड की, और अब हम सैंडविच बनाते हैं। की फिलिंग करेंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही हेल्दी, आप इनको शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। चिकन भी डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ चिकन स्प्रेड डाला है। इसी तरह हम सारी अपनी ब्रेड बना लेंगे। तो जी हमने सारी ब्रेड पे पेस्ट स्प्रेड कर दिया है, तो अब हम इनकी कटिंग करते हैं, इनको सैंडविच की शेप देते हैं। यहाँ पे हम सैंडविच की कटिंग करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं, मल्टी एग सैंडविच। इसी तरह हम सारे सैंडविच की कटिंग कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से सैंडविच बनकर तैयार है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये सैंडविच कैसे लगे। आप इन्हें शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। तो कल नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।